नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में नाम वापसी के दिन मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्ष में जाकर एक प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। अब चुनाव मैदान में शेष चार प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 3 जुलाई को मतदान व उसके बाद मतों की गणना की जाएगी। नाम वापसी के अंतिम दिन करीब 2:45 बजे अपना दल एस की दूसरी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाली जिला पंचायत सदस्य सुनीता वर्मा अपना पर्चा वापस लेने कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान उनके साथ अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव पप्पू माली भी थे। नामांकन कक्ष पर्चा वापस लेकर वह निकल गई। अब मैदान में सपा प्रत्याशी निशी यादव राजग गठबंधन से अपना दल एस की प्रत्याशी सुनीता पटेल, निर्दल प्रत्याशी के रूप में नीलम सिंह श्रीकला चुनाव मैदान में हैं। अब 3 जुलाई को मतदान के बाद मतों की गणना होगी, इसके बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। बता दें कि नीलम सिंह जिला पंचायत सदस्य हैं भाजपा की। उनके होने से राजग गठबंधन दल में दरार की स्थिति हो गई है। बताते चलें कि चुनाव में कुल 83 जिला पंचायत सदस्य मतदाता हैं। अब प्रत्याशियों ने अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हर प्रत्याशी की तरफ से जिला पंचायत सदस्यों को साधने व रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बाबत जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि एक प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने नामांकन पर्चा वापस लिया है। इसके अलावा मैदान में 4 प्रत्याशी बचे हैं, जिनके बीच 3 जुलाई को मतदान होगा। मतदान पूरी निष्पक्षता से कराने की तैयारी है। इसके लिए तहसील स्तर पर SDM व CO को लगाया गया है कि अगर जिला पंचायत सदस्य को किसी प्रकार से लुभाने का प्रयास किया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बाबू जी, आज पर्चा वापसी लिया गया है, किसका पर्चा वापसी लिया गया और कौन अभी? हमारे अपना दल या संयुक्त प्रत्याशी के रूप में 2 प्रत्याशी का नामांकन कराया गया था। एक श्रीमती रीता पटेल जी, दूसरा श्रीमती सुनीता वर्मा जी। आज अपना दल एस की तरफ से सुनीता वर्मा जी का पर्चा वापस लिया गया है। डाक बंगले पर बैठकें भी चली थी आपके जो गठबंधन की पार्टी है उसके साथ, क्या सहमति बनी, क्या बातचीत हुई आप लोगों ने? अभी बातचीत चल रही, आगे देखिए क्या होता है। गठबंधन धर्म का कितना पालन होता नजर आ रहा है, क्योंकि बागी प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया, ऐसे में क्या स्थिति बनी हुई है? अब सब मुद्दे पर बातचीत चल रही है, राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया गया, आगे फैसला जो लेंगे वो देखा जाएगा। ऐसा लग रहा है इतना आश्वस्त है इस बार अपनी जीत को लेकर के, क्योंकि 2 सीट अपना दल के खाते में गई है, जौनपुर भी अपना दल के खाते में, तो कितना आश्वस्त है यहाँ पर? पूरा आश्वस्त है, हम जीतेंगे। 3 तारीख को अपना दल का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। ऐसे में कैसे चुनाव जीतेंगे जब भाजपा के जो साथी हैं आपके साथी नहीं हैं, आज भी नहीं साथ दिखाई दे रहे हैं? गणित का खेल होता है, गणित हमारे पक्ष में है। आज भी साथ ने नामांकन भी नहीं दिए, आज भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये रीता सुनीता पटेल जी का पर्चा वापसी था, हम लोग पर्चा वापसी का इसमें किसी की जरूरत नहीं। 6 अपना दल के और 9 प्रत्याशी भाजपा के बच गए, क्योंकि एक बागी हो गया, 15 कुल आपके पास सदस्य हैं, ऐसे में कैसे आप किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये गणित का खेल है? और कुछ चीज़ें होती हैं जो समय आने पर बताया जाता है, आज वो समय नहीं है, हम आपको कैसे बताएं? 3 तारीख को आपको बताएंगे, जीत के बताएंगे कैसे हम चुनाव जीते हैं। अगर किन्हीं कारणवश हार होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हार नहीं है, जीत है। अगर की कल्पना छोड़ दीजिए, हम चुनाव जीत रहे हैं। गठबंधन पूरी तरह से साथ है। अब बात मैंने कहा कि आज हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं, जो होगा होगा, हम लोग चुनाव जीतेंगे तय है। नामांकन 26 को ही था, बागी प्रत्याशी के साथ 2 भाजपा के प्रस्तावक भी थे, ऐसे में कैसे आप कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन हो रहा है और गठबंधन के लोग आपका साथ दे रहे हैं? अभी तक वो लोग साथ में, 2 दिन पहले आपने मांग की, आपने आरोप भी लगाया था। आज मीडिया के माध्यम से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान महेश शर्मा जी, महेश श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो बागी कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, आगे उन पर पूरा भरोसा है, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। अभी कार्रवाई करेंगे ना, आश्वासन दिए हैं कार्रवाई करेंगे। ये बताइए पप्पू जी, जब चुनाव लड़ ही लेंगे आपके साथ तो ऐसे में क्या कार्रवाई का क्या होती? अभी चुनाव लड़ना, अभी 1 हफ्ते का समय बाकी है,
तीन तारीख को चुनाव है। अब देखिए वो सब, अब देखिए उनका विषय है, हमारा विषय नहीं। हमारा विषय था हम रीता पटेल को प्रत्याशी गठबंधन दिए थे, आज रीता पटेल हमारी प्रत्याशी है। आपके एमएलसी साहब आशीष पटेल जी का बयान आया था कि अगर आज नीलम सिंह पर्चा वापस नहीं देंगी तो हम अपना एक अलग स्टैंड करेंगे, इसमें क्या आप बताएंगे? देखिए वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है बयान, वो क्या करेंगे कैसे करेंगे उस पर मंथन होगा ना, सब चीज़ के खुला नहीं आज नहीं। हमारी सुनीता वर्मा तो पर्चा वापस ली, नीलम सिंह पर्चा वापस, अब वो सब वो राष्ट्रीय विषय है, राष्ट्रीय विषय पर हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल सकते। बयान था आशीष पटेल जी का ये, ऐसा क्या कराना हो सकता, किसी कारण में किसी का पर्चा खारिज हो जाए, बहुत कमियां हो जाती है जल्दीबाजी में, इसलिए उनका नामांकन हम लोग सुनीता पटेल जी का किए थे, आज इनका वापस कर रहे हैं। क्या मानना है, किससे लड़ाई है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। अगर किसी से नहीं होती तो निर्विरोध जीत जाते किसी? नहीं भाई, निर्विरोध हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है शिष्टाचार को, हमारी लड़ाई जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन करना है, समाजवाद का जो छत्र उसको समाप्त करना है। पप्पू जी, आपने ही आरोप लगाया था कि जब तक नीलम सिंह को बैठाया जाएगा तब तक हम जो है संयुक्त बैठक नहीं करेंगे, संयुक्त बैठक नहीं। आज हम लोग आप ही ने कहा था, आज उसी सिलसिले में हम लोग संयुक्त बैठक किए हैं, हमारी बात नहीं बनी है उस बैठक में, तो हम लोग बैठक का बहिष्कार कर दिए। मतलब आज बहिष्कार चलेगा इसी? अब आगे देखिए, हम लोग अपने नेतृत्व को बता दिए, अवगत करा दिए, आगे जो निर्णय होगा देखा जाएगा। ये जो गठबंधन है सिर्फ कागजों पर ही है? नहीं, गठबंधन कागजों पर, शीर्ष नेतृत्व ने हमको यहाँ सीट दिया है अपना दल भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए, तो शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा ना, उनका विषय है ना। नहीं, पप्पू जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं बनी, गठबंधन शीर्ष नेतृत्व ने, ये जिला इकाई की तरफ से बैठक है ना, बैठक में बात, ये प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय इकाई की बैठक नहीं थी ना, ये प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय इकाई हमको सीट दिया है, जिला इकाई हमको सीट नहीं दिया है। चुनाव तो आपको जिले में जीतना है? चुनाव जिले में जीतना, चुनाव जीत रहे हैं भैया, हम लोग गणित का सौधा है, हम लोग गणित का खेल है, गणित हमारे पक्ष में है। यही तो हरिवंश सिंह दावा कर रहे हैं भाई, दावा सब करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।